कैनेडा दे विच चोणां दा बिगुल बज चुक्या है ते चोणां दा बिगुल बजण दे नाल ही सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकियां ने। सियासी सरगर्मियां दे इस दौर दे विच स्टार कैनेडा टीवी दे ब्यूरो चीफ नरदीप सिंह आकड़ी दे वल्लों लिबरल पार्टी दे नुमाइंदे सुख धालीवाल दे नाल गलबात की गई है। इस विशेष गलबात दे दौरान सुख धालीवाल दा की कुछ कहना रहा आओ तुहानूं वी सुणा दिंदे हां। स्टार कैनेडा टीवी दे समूह दर्शकां नूं मेरे वल्लों धन्नवाद जी आयां नूं। अज तुहाडे नाल रूबरू करा रहा है न्यूटन सरी तो मैंबर पार्लीमेंट बड़े सफल तो सही महीनों के सही अर्थों जिन्हों रोल मॉडल लीडर कहा जा सकता है सुख धालीवाल जी थोड़ा साढ़े ना जुड़ने लिए बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत मेहरबानी तुम मैं रूबरू कर जा रहे हैं दर्शकों। सुख धालीवाल जी बिगल तो बज चुका इलैक्शन का कल प्राइम मिनिस्टर इतों ब्रिटिश कोलंबिया तो आके जो अपने बिगल बजा के गए हैं तो 21 अक्टूबर को दोबारा लोगों का फतवा मिलना। पिछली बार बहुत बड़ा फतवा बड़ा बहुत बड़ा प्यार तुहाडा इस न्यूटन सरी दे विचों लोगों का मिलया सी। लोगों नूं इन्नी वोट नहीं मिलती जिन्नी लीड नाल तुसीं जीते सी। की कहना चाहोगे? देखो मैं धन्नवाद करूँगा सरी न्यूटन दे लोगों का जिन्होंने मैं चुन के आपका नुमाइंदा जिहड़ा सी 2015 दे इलैक्शन भेजा और मैं माण हासिल होया उस पार्लीमेंट बैठन का और उन्हां दीआं जिहड़ियां मंगां सीगीआं उन्हां दीआं लोड़ां सी वो धड़ल्ले दे नाल जिहड़े धड़ल्ले नाल मैं वादा किया उस धड़ल्ले नाल खड़ियां सी वो पट्टी कीती। टीम ट्रूडो दोबारा आ रही है? देखो ये लोगों पर है पर मैं ये कह सकता भी जी टीम ट्रूडो की जो गल करते हैं जी या प्रधानमंत्री उस वेले सी साडे लीडर जस्टिन ट्रूडो ने उन्होंने उन्होंने टीम साड़ी जी लिबरल टीम आने पिछले 64 साल जो 2015 का इलैक्शन लड़िया असी एक मुद्दे पर इलैक्शन लड़िया सी भी जी सा हर पॉलिसी बने वो सुधारण इंसान की जिंदगी जी बेहतर बने जी असी की किया 64 साल आम सुधारण लोगों के वर्किंग क्लास फैमिली के टैक्स छोड़ दी और जो 1% टॉप से जी हाई अर्नर उन्होंने थोड़ी जी ज़्यादा पे कर दी या जी और उस तो बाद चाइल्ड टैक्स बेनीफिट जो लैंडमार्क पहला कानून सरकार बिलियन डॉलर जोड़े से मिलियन डॉलर बिलियन भी दे जाते जी पर असी देख रहे हैं जी उ डॉलर जोड़े ने जोड़े लोगों चाहिए सी उन्होंने टैक्स फ्री इनकम जी परिवारों दी वे सरी न्यूटन जी 8 मिलियन डॉलर एवरी जोड़ा वा वो मंथ आ रहा बच्चों के लिए और जिते अज लोड़ सी सरी वड्डी म्यूनसिपैलिटी बढ़ रही थी उत्थे क्वांटल पॉलीटेक्निक यूनिवर्सिटी जी वर्गी एक्सपेंशन की लोड़ सी उत्थे लोड़ पई फंडिंग की उत्थे भी लिबरल सरकार ने दी। साइमन फ्रेज़र यूनिवर्सिटी 40 मिलियन डॉलर पाने से उत्थे 400 नवा स्पॉट क्रिएट करना सी वो भी पैसे जोड़े से लिबरल सरकार ने दिए। 1.6 मिलियन डॉलर इतने की ट्रांजिट के पाना सी वो भी लिबरल सरकार जी जी 200 के करीब नवी बसा जी पैनिया सी वो भी सरी च सरी की आर्ट गैलरी की गल कर लो सरी के न्यूटन पार्क रीने की गल कर लो जिहड़ा सी साडे फौजियों लई इत्थे घर बनाउण दी वो गल कर लो अफोर्डेबल हाउसिंग की गल कर लो जो ये सारिया प्लैन देखते और समॉल बिजनेस जो सरी न्यूटन की गल करते समॉल बिजनेस बहुत आ कोई प्लम्बर कोई इलैक्ट्रीशियन कोई ट्रक ड्राइवर कोई टैक्सी ड्राइवर कोई रूफर कोई पेंटर वो सारे जोड़े ने समॉल बिजनेस पे जे ताड़ी इनकम साल की 5 लाख तो घट आ तो टैक्स की हद घटा के जी और 9% करती हूँ तुम देखो जी 1 लाख रुपया जो एक बिजनेस कमा रहा तो उन्होंने 9000 टैक्स देना पैंता और जो बचण गए वो होर अपॉर्चुनिटीज दे सकते जो वो चीज़ों मद्देनजर रखते हैं पिछले समय चाहे वो एनवायरमेंटल पॉलिसी की गल करिए 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने की गल कर लीए 8,50,000 बंद लोगों पावर्टी लाइन चो कढ़ने की गल कर लीए ये सारिया पॉलिसी जी पिछले गवर्नमेंट साड़ी सी 4 साल सी लैके आदि पॉलिसी वो पॉलिसियों जो असं हूँ अगे चला है तो वो जो फतवा की लौड़ है जो सरी न्यूटन तो सुख धालीवाल और कैनेडा टीम ट्रूडो जी है उन्होंने लैके आ। अच्छा मुख्य तौर पर इन 2019 दिया इलेक्शन मुख्य तौर पर मुकाबला लिबरल का कंजरवेटिव न्यू डेमोक्रेटिक फ्रंट के ना या ग्रीन के ना देखो विजन दो ही है देखो दो चॉइस स्टार्क चॉइस जी एक पास हैगी जी डिस्ट्रक्टिव राइट विंग जी आइडियालॉजी वो हार्पर की कर लो एंड्रू शीयर की कर लो वो हैगी है लोगों ने वो आइडियालॉजी राइट विंग आइडियालॉजी चुननी हैगी नहीं और ज दूसरे पास एको एक प्रोग्रेसिव विजन हैगी प्रोग्रेसिव विजन जी है वो जस्टिन ट्रूडो लिबरल पार्टी की जिदे प्रोग्रेसिव विजन बराबरता हरेक इंसान लिए चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम जी वो उन्हें लागू आम साधारण बंदे हेल्प करनी
ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਵੈਲੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਵੈਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵਰਗੇ ਸਟਰੋਂਗ ਲੀਡਰ, ਸਟਰੋਂਗ ਵਿਜ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਇਨਸਾਨ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹਾਰਪਰ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਐਨੀਸ਼ੀਅਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਹੂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਾਲੂਗੜ੍ਹ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੋਡ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।